कुदरत ने इस तरह बनाया है कि जब बच्चा पैदा हो जाता है और वो जो प्लेसेंटा है और जो ऑलनाल है वो सब निकल जाती है, तो कुदरत दिमाग से ऐसे हार्मोन बनाता है कि वो एक किस्म का सिग्नल देता है और कहता है कि अब आप दूध बनाइए और उसको रिलीज़ करिए। और उसको रिलीज़ करने में जो पहले एक घंटे में जो भी पानी आए, जो भी दूध आए, कायदे से आपको पता है उसका साइंटिफिक नेम तो कोलोस्ट्रम है, पर उसको कहते हैं लिक्विड गोल्ड, यानी कि तरल सोना। और उसको इम्यूनिटी बूस्टर भी बोलते हैं और उसको अमृत भी बोलते हैं, माँ का अमृत बोलते हैं। कोलोस्ट्रम होता है जो पहले दो दिन निकलता है, वो बहुत कम मात्रा में होता है और गोल्डन कलर सोने के रंग का होता है। और उसको कई लोग अपनी प्रथा और प्रचलन की वजह से कहते हैं, रिचुअल्स की वजह से, कि ये तो अच्छा दूध नहीं है, इसे फेंक दो। बिल्कुल गलत बात है। ये जो दूध पहले दो दिन में निकल रहा है, सारे ब्रेस्ट मिल्क जो भी निकलेंगे उस सब में सर्वप्रथम है और सबसे ज़्यादा विद्यमान है। ये जो दूध है इसके अंदर न केवल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, चर्बी होता है, बल्कि विटामिन होता है, खासकर विटामिन ए जो आँखों के लिए बहुत ज़रूरी है। और उसके भी ऊपर इसके अंदर एक इम्यूनिटी बूस्टर होता है जो कि IgG एंटीबॉडीज होते हैं, और इसके अंदर WBC होते हैं, जो आपको पता ही होगा कि हमारे खून में जो RBC होता है वो तो रक्त बनाता है, हीमोग्लोबिन बनाता है, आयरन के साथ जुड़ा हुआ है, पर जो WBC होते हैं वो इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, कोई भी कीटाणु जो हमें संक्रमित करे, इन्फेक्ट करे, उससे लड़ने के लिए बना है। तो यदि हमने पहले दो दिन का दूध नहीं पिलाया तो बच्चे के अंदर WBC और इम्यूनिटी गए नहीं, तो फिर वो कैसे लड़ेगा इन्फेक्शन से? आपको तो मालूम है आजकल के प्रचलन में तो माँ को भी एंटीबायोटिक, तो कई बार बच्चों को भी पैदा होने के बाद कुछ कुछ डॉक्टर एंटीबायोटिक दे देते हैं। पर आप देखें ना, कुदरत ने तो ये कहा कि मैंने तो आपको वो कण दिया कि आपको इन सब की ज़रूरत ही नहीं है। और ये भी देखा गया है कि जो पहले दो दिन में अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं वो बच्चे जो होते हैं उनकी इम्यूनिटी भी ज़्यादा होती है, इसलिए गले का, लंग्स का यानी फेफड़ों का, और इंटेस्टाइन यानी आंतड़ों की जो भी इन्फेक्शन होती है बहुत कम होती है। ये जो बच्चे हैं ये कब्ज़ भी से भी दूर रहते हैं, कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होती। आपने कि बच्चा जैसे ही पैदा होता है उसको पानी पिला देते हैं, नहीं तो उसको अमृत के नाम पर शहद चटा देते हैं, या कहते हैं पेट में दर्द होगा तो ग्राइप वाटर, जैसे कुनीन वाटर या जो घुट्टी होती है बच्चों की घुट्टी, वो पिला देते हैं। कई जगह तो दूध भी दे देते हैं जो कि नॉर्मल दूध होता है या गाय का दूध होता है, या फिर फॉर्मूला मिल्क जो कि डब्बों में होता है वो दे देते हैं। तो ये सब नहीं देना है हमें, केवल दूध देना है। तो माँ बोलती है कि मैंने तो चलो स्तनपान किया, कोशिश भी करी, पर डॉक्टर ये तो बस ज़रा सी कुछ बूंदें थी, तो इससे क्या काम चलेगा? देखिए, समझिए, जो बच्चा है जब वो पैदा हुआ है तो उसका जो पेट है वो छोटे से चने की गोली की तरह छोटा सा साइज का है। उसको ज़रूरत ही सिर्फ 5 to 7 ml यानी 5 to 7 ml की, यानी एक छोटे चम्मच के बराबर के दूध की है, वो तो आप दे ही देंगे, तो इतनी ही उसको ज़रूरत है। उसके बाद जब दो दिन गुजर जाते हैं तो दो दिन गुजरने के बाद जो दूध है वो लिक्विड गोल्ड कलर से बदल के सफ़ेद की तरफ आता है और वो नॉर्मल मिल्क है, जो नॉर्मल ब्रेस्ट मिल्क हम लोगों को आदत है देखने की। मेरे को कांटेक्ट करने के लिए 9936009 पे कांटेक्ट किया जा सकता है। अब मैं आप सबसे अलविदा लेती हूँ। नमस्कार।